तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट किया था, आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो एक्सरसाइज वन पॉइंट वन सेकेंड सम, तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम। तो क्या होता है अपने पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर विद दिस इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो जो b की वैल्यू है हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज करनी है। अब उसमें बोला 6q, तो b क्या हम 6 लेंगे, तो b की वैल्यू आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेनी है। तो हम क्या लिखेंगे, टेक b इज इक्वल टू 6 देन वैल्यूज ऑफ r रिमाइंडर। इफ b इज इक्वल टू 6 देन रिमाइंडर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो उसने कहा है 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, ये क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है। यदि हमको छोड़ दें 1, 3, 5 को, तो हम क्या रहेगा, रिमाइंडर 0, 2, 4। उसने कहा है 6q+1, 6q+3, 6q+5। यदि बाकी जो रिमाइंडर की वैल्यूज है कौन कौन सी, 0, 2, 4, तो हम प्रूव करेंगे व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 2 और 4, इट इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, हम दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। व्हेन आर इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6q+0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3q बी चीज है इवन, बिकॉज एवरी अ मल्टीपल ऑफ 2 इज ए इवन नंबर। 6q का क्या है, 2 × 3q, ये क्या है, 2 का मल्टीपल हो गया विच इज इवन, तो इसलिए इवन नंबर है। नाउ टेक रिमाइंडर 2 वेन आर इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6q+2, अगेन 2 बी कॉमन आउट, अगेन विच इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड विच इज इवन। जब रिमाइंडर 2 लिया तो 6q+2 हो गया, तो 2 कॉमन आ गया, इट इज 3q+1, अगेन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2। इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 देन इट इज एन इवन नंबर, तो ये भी इवन होगा। नाउ डिस्कस अबाउट आर इज इक्वल टू 4, देन आर इज इक्वल टू 4 ए कितना जाएगा 6q+4, अगेन यू हैव कॉमन आउट 2, 2 भी कॉमन विच इज इवन नंबर। इफ वी टेक रिमाइंडर 4, इट इज 6q+4, देन 2 क्या है कॉमन आ गया, तो इट इज अगेन मल्टीपल ऑफ 2 विच इज एन इवन नंबर। जावर रिमाइंडर 0 है, 2 है, 4 है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब इट मीन्स 6q+1, 6q+3 और 6q+5 आर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1।